अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप्स यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक फाउंडेशन का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है फेस एक की फाउंडेशन। सो ये कितनी देर बाद ऑक्सीडाइज हो जाती है एंड कौन से स्किन वाले इसको ट्राई कर सकते हैं, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन, एंड इसकी प्राइस क्या है, इसके साथ साथ ये कितनी देर तक स्टे करेगी एंड इसकी कवरेज क्या है, इस वीडियो में आपके साथ सब चीज़ें डिस्कस करूँगी। सो बेसिकली ये है फेस इट की मैच परफेक्शन फाउंडेशन, जो कि है इसके अंदर SPF 15 भी मौजूद है, जो कि फाउंडेशन के साथ साथ इसके अंदर सन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है, ताकि आप जब इसको फेस पे लगाएं तो आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। सो इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। ये एक इसका आउटर बॉक्स भी था, जो कि मैंने फेंक दिया है क्योंकि वो काफ़ी टाइम पहले इसको बाय किया था। ये इसके ऊपर इसकी सारी इन्होंने स्पेसिफिकेशंस मेंशन की हुई कि बेसिकली ये फाउंडेशन आपके स्किन पे जाके क्या काम करेगी, एंड यहाँ पर इनकी वेबसाइट मेंशन है एंड फेसबुक पेज जहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बेसिकली ये इसकी अगर पैकेजिंग बॉटल की बात करें तो ये ग्लास बॉटल पैकेजिंग है और बहुत ही अच्छी है, कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लाइट वेट ग्लास हो, हैवी ग्लास बॉटल में आपको मिलेगी। एंड इस तरह ये पम्प फाउंडेशन आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो लिक्विड फाउंडेशन है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि ये कौन सी स्किन वाले टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके डिफरेंट शेड्स हैं, 21, 23 है, 25 है, 27 है एंड 29 है, बट मेरे पास जो यहाँ पे शेड है वो है 25, क्योंकि 25 शेड जो है वो नॉर्मली मेरे ख्याल में हर स्किन सूट टाइप वाले उसको यूज़ कर सकते हैं। जो एक नेचुरली कह लें एक शेड यूज़ किया जाता है ना, वो है जी ये FI फाउंडेशन, इनका 25 शेड। बाकी इनके जो कुछ शेड्स हैं बहुत डार्कर में चले जाते हैं, तो ये ज़रा नेचुरल सा शेड लगता है। अच्छा, अब मेरी स्किन है ऑयली, दैट्स वाई मैं ये वाली फाउंडेशन को यूज़ किया हुआ है मैंने। अब जिनकी स्किन तो ड्राई है ना, वो इसको ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के ये ऑलरेडी स्किन को जाके बहुत केकी कर देती है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी एक तो बहुत थिक है और दूसरी ये कि आपको मीडियम टू हाई कवरेज ये प्रोवाइड करती है। सो अगर तो आपकी ड्राई स्किन है तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ड्राई स्किन वाले इसको अवॉइड करें। अगर तो इसको ड्राई स्किन वाले यूज़ करेंगे तो वो इसको इस लिहाज से यूज़ कर सकते हैं कि वो इस पहले अपनी स्किन के ऊपर प्राइमर लगा लें, या आप कोई भी मॉइस्चराइज़र, मतलब अच्छे से अपनी स्किन को पहले मॉइस्चराइज़ कर लें देन इसको ट्राई करें, क्योंकि इसकी कवरेज जैसे कि मैंने आपको बताया मीडियम टू हाई है। और आप देख सकते हैं सिर्फ अगर आप एक ही पंप लेंगे ना तो आपको ये थिक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा एंड इसके साथ साथ हाई कवरेज प्रोवाइड करेगा। आप ऑयली स्किन पर ये बहुत अच्छी सूट करती है। स्किन वाले अगर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ किए बगैर भी अगर इस फाउंडेशन को लगा लेंगे ना, तो उनके स्किन के ऊपर ये स्टिक जाएगी, बैठ जाएगी। अच्छा, अगर तो आपको बहुत सारी हाई कवरेज चाहिए तो आप इसके 2 पम्प्स ले सकते हैं, लेकिन लिटरली इसका एक पम्प फाउंडेशन का आप यूज़ करेंगे ना तो ये आपकी स्किन को टोटली कवर्ड कर देगा। आपकी आपको इवन कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी कोई भी अगर कलर करेक्टर की मैं बात करूँ आप लगाएंगे तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर हाँ, अगर आपकी स्किन पर एक्नी है देन आप यूज़ कर सकते हैं, बट कंसीलर की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई कवरेज आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है फाउंडेशन। सो इसको ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा वेट करके इसको यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये फाउंडेशन जो है ये ऑलरेडी मैट है, तो अगर आप बगैर स्किन को प्रेप किए बगैर आप फाउंडेशन डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे तो देन ये केकी थोड़ी हो सकती है। सो कॉम्बिनेशन स्किन वाले से ट्राई कर सकते हैं एंड ऑयली स्किन वाले इसको ट्राई कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग भी है, आप इजीली 5 से 7 घंटे आपकी स्किन के ऊपर से कहीं नहीं जाएगी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं शेड नंबर 25। इसके अलावा भी आप इनकी कलर शेड देख सकते हैं, बट मेरे ख्याल में जो नॉर्मल स्किन टोन है उसके लिए, जो ना ज़्यादा फेयर है ना ज़्यादा डल उनका कॉम्प्लेक्शन है, उसके लिए शेड नंबर 25 ही बेस्ट है। सो आप ये वाला शेड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके प्राइस राउंड अबाउट 720 है या आई गेस 750 में आपको ये फाउंडेशन मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा भी इसकी प्राइस नहीं है, ईजिली आप लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी लाइट टेस्ट करके दिखाती हूँ कि बेसिकली इसकी जो लुक है वो आती किस तरह की है। मतलब एक तो मेरी ऑयली स्किन है तो ये लगाने के बाद ऑलरेडी फेस के ऊपर ग्लो आ गया था, शाइन आ जाती है अगर आप फेस पे भी इसको अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे ये बार बार मक्खी आ रही लग रहा है, इसको भी मेकअप करवाना है। सो यहाँ पे आपने इसकी कवरेज देख ली है, इसकी कवरेज कैसी है, लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है। अच्छा, जो मैंने रिस्ट पे सबसे पहले लगाई थी ना, वो मैंने इसलिए लगाई थी चेक करने के लिए कि आई ऑक्सीडाइज होती है कि नहीं होती।
बट येस, ये वाली फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है जब आप लगाते हैं तो ये देखें, अब जब मैंने लगाई थी वो पीछी, बेसिकली इसका पीछी सा स्किन टोन ही है। सो ये इसका ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये होता है कि आपकी जो फाउंडेशन होती है क्या वो डार्क होना स्टार्ट हो जाती है या नहीं होती। येस, ये डार्क हो जाती है। कवरेज अच्छी है आप इसके ऊपर, इसका बेशक इन्हीं कंपनी का आप अगर लूज़ पाउडर अप्लाई कर लेते हैं देन ये आपकी स्किन के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग चल जाएगी। ऑयली स्किन वालों की स्किन को केकी नहीं करती, ड्राई स्किन वाली जो इनकी ड्राई स्किन है उसको ये केकी बना देती है। सो आपको मैंने इसकी सारी डिटेल्स बता दी हैं। ऑक्सीडाइज भी ये हो जाती है, मैंने इसलिए रिस्ट पे लगाई थी ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि कुछ टाइम के बाद ये फाउंडेशन जो है इस तरह से ये थोड़ी सी डार्क अंडरटोन की तरफ भी जाना स्टार्ट हो जाती है। सो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका वेबसाइट का लिंक ऐड कर दूँगी जहाँ से आप इसको डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि हर ब्रांड की हर कॉपी भी आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। सो आप ओरिजिनली अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक ऐड कर दूँगी जहाँ से आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने लास्ट पे एक वीडियो क्लिप ऐड किया, वो भी देखिएगा कि उसमें मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद वो वीडियो बनाई थी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो मैंने रिस्ट पे लगाई थी वो ऑक्सीडाइज होने के बाद कैसी शो हो रही है और जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया था ब्लेंड के बाद उसका टेक्सचर किस तरह से है। सो लगाने के बाद मैं ये रिकमेंड करूँगी फ़ौरन से अपनी स्किन के ऊपर ब्लेंड कर लें कुछ देर बाद। ये जाके हो सकता है आपकी स्किन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मेरे स्किन पे लगाने के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए। सो ये आप इस क्लिप में देख सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।